दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 से लेकर के 14 फरवरी का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वो मार्केट में जारी कर दिया गया और इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं उन सभी की जानकारी हम आपको शॉर्ट में यहाँ पर देने वाले हैं। शुरुआत के कुछ पेजेस एडिटोरियल पेजेस हैं और हमेशा की तरह इनमें रिक्रूटमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। रिक्रूटमेंट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आती है पेज नंबर 5 से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से, जहां पर ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल मिलाकर के 65 यानी कि 65 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। हालांकि कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज में एज में रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार दी जाएगी। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, लेवल 8 की यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है और ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 6 से आ रही है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर की तरफ से, जहां पर साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। कुल मिलाकर के 12 वैकेंसीज के लिए जारी की गई ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है, जिसमें कि 12th यानी कि 12वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक की क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। गुजरात यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 2 से लेकर के लेवल 10 तक यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑनलाइन मीडियम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के ही नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप इससे आगे की भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन पेज नंबर 7 से आ रही है, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर कम कंट्रोलर सिविल डिफेंस की तरफ से, जो कि चंडीगढ़ की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। पटवारी और वायरलेस ऑपरेटर्स के लिए निकाली गई ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं। 10th, 12th और ग्रेजुएशन जिन भी कैंडिडेट्स ने की हुई है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 यानी कि 18 to 37 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और चंडीगढ़ यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी जा रही है। CPG 7 लेवल 7 और पे बैंड 2 की यहाँ पर सैलरी है, जो कि जब 10,300 से लेकर के और 34,800 तक जाती है। इसमें ग्रेड पे और अलाउंसेस और अलग से मिला देने के बाद अमाउंट यहाँ पर सैलरी के रूप में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है और 20 फरवरी 2020 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना है और 20 फरवरी लास्ट डेट है। इसका मतलब कि आपकी एप्लीकेशन के पहुंचने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2020 रखी गई है, तो आपको इसी हिसाब से इस तय डेट से पहले ही इसके लिए आवेदन कर देना है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 11 से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू की तरफ से, जहां पर की बहुत सारी नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बेसिकली जो कैंपस स्टाफ है और एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज हैं वो इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलने वाली हैं। कुल मिलाकर के 36 यानी कि 36 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है और चूंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसीलिए इसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस नहीं दी गई हैं। मैक्सिमम 33 साल यानी कि 33 ईयर्स यहां पर एज लिमिट रखी गई है और जम्मू जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेवल 3 से लेकर के लेवल 10 तक यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है, जो कि 21,700 से लेकर के 1,12,000 तक जाती है। अलाउंसेस अलग से होंगे।
ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल रही है पेज नंबर 11 से ही, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से, जहां पर अप्रेंटिस ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ट्रेड्स की जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हो जाएगी। कुल मिलाकर के 76 यानी कि 76 वैकेंसीज पर यह रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके लिए कंसर्न ट्रेड से डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है और ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है दोस्तों। देश के आप किसी भी हिस्से में हैं, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यहां पर स्टाइपेंड दिया जाने वाला है और ऑनलाइन मीडियम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन यानी कि छठी नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 17 से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIT ये बेसिकली है और न्यू दिल्ली में ये स्थित है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। BE BTech अगर आपने किया हुआ है CS या फिर IT ब्रांच से तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज लिमिट देखने को मिलने वाली है आपको और न्यू दिल्ली यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। CPC 7 लेवल 8 के यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 मार्च 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 18 से, दयाल सिंह कॉलेज की इवनिंग शिफ्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में ये कॉलेज आता है। टेक्निकल असिस्टेंट और MTS के लिए ये भर्तियां हैं जो निकाली गई हैं। कुल मिलाकर के 5 वैकेंसीज के लिए जारी की गई ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है, जिसमें 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। हालांकि वैकेंसी टू वैकेंसी यहां पर एज लिमिट डिफर करती हुई आपको नजर आएगी। कुछ वैकेंसीज में 27 साल भी एज लिमिट रखी गई है। दिल्ली यहां पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 से लेकर के 50,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। ऑफलाइन मीडियम है इसका अप्लाई करने के लिए और 23 फरवरी 2020 तक बाई पोस्ट आपकी एप्लीकेशन एड्रेस पर पहुँच जानी चाहिए, जिसकी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हो जाएगी। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 22 से, सैनिक स्कूल मिजोरम की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, जहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कुल मिलाकर के 15 वैकेंसीज पर जारी की गई ये नोटिफिकेशन है, जिसमें 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 35 साल यानी कि 35 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है और मिजोरम यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 से लेकर के 56,000 तक यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है इनिशियली, और इसके लिए भी आपको ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। 28 फरवरी 2020 इसमें ऑफलाइन माध्यम से आपकी एप्लीकेशन के पहुँचने की लास्ट डेट है, तो आप यहाँ पर भी इस तारीख से काफ़ी पहले ही इसके लिए अप्लाई कर दें। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 28, जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। गुड़गांव में ये स्थित है। कंसल्टेंट SRF प्रोजेक्ट एसोसिएट और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं दोस्तों जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। 12th पास कैंडिडेट से लेकर के और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स तक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 12 वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर जारी की गई हैं और कोई भी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे एज लिमिट के बारे में तो ज़्यादा डिटेल्स एज लिमिट से रिलेटेड यहाँ पर नहीं दी गई हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है।
हालांकि गुड़गांव इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है, क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूट है ये गुड़गांव में स्थित है। लेवल 8 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है और वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है दोस्तों 24 और 25 फरवरी 2020 को, जिसमें कि आपको अपीयर होना है। सभी ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ्स और फोटोग्राफ्स के साथ। तो दोस्तों ये थी मेन इम्पॉर्टेंट सभी वैकेंसीज जो इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दी गई हैं। इसके बाद के पेजेस दोस्तों एडिटोरियल पेजेस हैं और इनमें भी हमेशा की तरह रिक्रूटमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी कुछ सभी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो कि इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जारी की गई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगले शनिवार हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।